त्वचा, ये भी आ चुका है, सबसे लंबा अंग है, एक ऑर्गन है, स्किन है। मनुष्य के शरीर में बाहर का कितना प्रतिशत जल? 65%। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 और 300 ये जुड़ते जुड़ते लास्ट में जाके 206 हो जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8, ये क्वेश्चन पीसीएस में कई बार आ चुका है। ह्यूमरस अस्थि, यह ऊपरी भुजा को कहते हैं, ह्यूमरस अस्थि कहते हैं ऊपरी भुजा को, यानी ह्यूमरस बोन। दांत और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है, ध्यान रहे ये क्वेश्चन आ चुका है, आता रहता है, क्या दांत में दांत की मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर होने का कारण कैल्शियम, तो इसलिए कैल्शियम लेना पड़ता है अलग से। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन, याद रहे अस्थि और पेशी, हड्डी और मांसपेशियों को, मसल्स को जोड़ता है टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20 दांत। पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, ये खूब आता है इस तरह के प्रश्न। और आगे आए, मानव शरीर में पाचन का मैक्सिमम भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत, काफी बार पूछा जा चुका है, आईएएस पीसीएस में भी आया है, छोटी आंत में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। मनुष्य की पाचन नाली लगभग कितने मीटर लंबी होती है? 32 फीट। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक हैं, कैटलिस्ट का काम करता है एंजाइम, और ये जो है खाना को पचाने की कोशिश करता है, डाइजेशन में हर तरह के काम आता है, बहुत ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो है एक्चुअली, ये एंजाइम्स जो है एक प्रकार का प्रोटीन है और इसमें शरीर के मल्टी डायमेंशनल वर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला रेनिन है, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। अधिकतम पोषक तत्व शरीर के रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से, पूछा गया है क्वेश्चन आरआरबी में कई बार। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, जानते ही आप लोग, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च, ऐसे सीआरएसी में पूछा गया क्वेश्चन है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? देखिए अभी हमने कहा था ना एंजाइम्स, एंजाइम ही एक्चुअली डाइजेशन का काम करता है और इसका निर्माण प्रोटीन से होता है, ये भी क्वेश्चन काफी हुआ। और वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? इसका काम है लीवर का, लीवर। पेप्सिन है एक एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम है, डाइजेशन में काम करता है। और चलिए आइए, सोते समय रक्त दाब में चेंज होता है, सोते समय जो है ना ब्लड प्रेशर घटता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा इंपॉर्टेंट है। पेसमेकर का संबंध है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, पेसमेकर क्या करता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। निम्न में से, ये क्वेश्चन आ चुका है, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी की, आर्टरी कहते हैं इसको, यानी धमनी की। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्त दाब घट जाता है। रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर मापक यंत्र, ब्लड प्रेशर को नापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनो आप देखे होंगे ना डॉक्टर के पास, जो स्फिग्मोमैनोमीटर जो क्या कहते हैं कि बगल में लगाते हैं, वो बाह में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 जो है ना को
मतलब कोष्टक होते हैं, घर होता है चार मान लीजिए। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? धमनी से। नाड़ी दर मापी जाती है धमनी से। स्वस्थ मनुष्य का बीपी यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 120/80 mm। कितना होता है? ये पहले भी गुजरा है। और दौड़ लगाने के समय मनुष्य का बीपी क्या होता है? दौड़ लगाने के समय बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है। स्वस्थ मनो के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक तिल्ली या प्लीहा को कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन रक्त में पाई जाने वाली धातु काफी आ चुका है, आयरन होता है, लोहा पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी। किडनी बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पता ही होगा शराब वगैरह जो पीते हैं उनसे किडनी खराब हो जाती है, तो किडनी बहुत महत्वपूर्ण है, किडनी के बिना काम चलना नहीं है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्त के लाल रंग का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में होता है देखिए आ ही गया लोहा। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में, सारे एग्जाम में आते हैं, हर तरह के कंपिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करना है, वो लेकर के आता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स। एक आरबीसी होता है, देखिए ब्लड में क्या होता है, एक आरबीसी होता है और एक डब्ल्यूबीसी होता है। अभी हमने देखा था आरबी की लाइफ 120 डेज है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को, कब्रिस्तान भी होता है आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 120 डेज, देखिए अभी आ गया। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा यानी डिफेंस। डब्ल्यूबीसी का काम है डिफेंस। और आरबीसी, आरबीसी में आयरन पाया जाता है। आरबीसी जो है ब्लड को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करती है। रक्त समूह खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर है, ब्लड ग्रुप का डिस्कवर इन्होंने किया है। आरएच फैक्टर का पता लगाया, आरएच फैक्टर का भी पता लगाया था लैंड स्टीनर ने। जिस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज नहीं होता है, जिस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडीज नहीं होता है, एबी, एबी, एबी में एंटीबॉडीज नहीं होता है और होता है, सॉरी एंटीबॉडीज नहीं होता, इसमें एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडीज का मतलब हुआ, अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, ए बी में एंटीबॉडीज इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए ब्लड ग्रुप एक ए है, एक बी है, एक ए बी है, सॉरी फिर से देख लीजिए, ए बी, ए बी और ओ, तो ओ में तो होता ही नहीं है एंटीजन, इसलिए वो ओ है। ए में होता है, बी में होता है, तो ये ए बी तो दोनों का मिश्रण है, तो जाहिर सी बात है इसका एंटीबॉडी कोई नहीं होता। ए का तो बी होगा, बी का ए होगा, लेकिन ए बी का कौन होगा? तो जाहिर सी बात है इसलिए एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ए बी का नहीं होता है। एंटीजन नहीं पाया जाता ओ में, ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो ब्लड के ऊपर पाया जाता है, ब्लड के बाहरी परत में होता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। आरएच फैक्टर का नाम रिलेटेड है बंदर से, रीसस नामक एक बंदर था उससे आरएच फैक्टर का नाम
बंदर से लिया गया। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ए बी है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और सर्वदाता ओ है, यूनिवर्सल डोनर। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, कहाँ क्षमता है? वृक्क में क्षमता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग करते रहेंगे, और आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहें। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हमसे आप एडवाइस लेंगे। और ये बहुत बेहतरीन सीरीज़ है, अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हैं उसको आप शेयर करेंगे। और आप में से जो कोई नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको इस टाइम से, इसमें क्या होता है कि सिस्टमेटिक वीडियो मिल जाती है, वरना कई लोग हमें बोलते हैं कि वीडियो नहीं मिल रही है, तो कई बार जो है ना वीडियो नहीं मिलती है, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि सारी वीडियो आप सिस्टम से, और इस साइंस के इस सीरीज़ को आप बिल्कुल मिस ना करें, ये बहुत बेहतरीन सीरीज़ है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।